सितारों में सितारे से आरजी ज्योति के साथ। संगीत जो कि हमारे जिंदगी के हर एक पहलू से गहराई से जुड़ा होता है और उससे जुड़ी आवाज बखूबी तरीके से हम तक उन भावनाओं को पहुंचाती है जो उस गाने के पीछे छिपी होती है। ऐसी आवाज ही संगीत को अलग मकाम पर पहुंचाती है। तो आज चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही सिंगर की जिन्हें भारतीय संगीत और शास्त्रीय संगीत की शान कहा जाता है, यानी कि मन्ना डे। मई 1920 को कोलकाता में महामाया और पूरन चंद्र डे के यहाँ प्रबोध चंद्र उर्फ मन्ना डे का जन्म हुआ। मन्ना डे ने अपनी शुरुआती शिक्षा इंदू बाबर स्कूल से पूरी की और उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने स्कॉटिश चर्च कॉलेज के दिनों में उनकी गायकी का जो टैलेंट था वो सबके सामने आ चुका था। तब वो अपने सभी दोस्तों को गाने गाकर सुनाया करते और यही वो समय था जब उन्होंने 3 साल तक लगातार इंटर कॉलेज सिंगिंग कंपटीशन में पहला स्थान पाया। पिता का ख्वाब था कि उनका बेटा वकील बने। उन्होंने मन्ना डे का जो एडमिशन था वो विद्यासागर कॉलेज में किया। म्यूजिक के फील्ड में आने से पहले इस बात को लेकर लंबे समय तक दुविधा चली कि वो वकील बने या फिर गायक। आखिरकार अपने चाचा कृष्ण चंद्र डे से इंस्पायर होकर उन्होंने तय किया कि वो गायक ही बनेंगे। मन्ना डे ने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने चाचा केसी डे से हासिल की थी। उनके बचपन के दिनों का एक दिलचस्प वाक्य आप सभी को जरूर बताएंगे, यानी कि उस्ताद बादल खान और मन्ना डे के चाचा एक बार साथ साथ रियाज कर रहे थे। तभी बादल खान ने मन्ना डे की आवाज सुनी और उनके चाचा से पूछा ये कौन गा रहा है। तब मन्ना डे को बुलाया गया तो उन्होंने उस्ताद से कहा बस मैं तो ऐसे ही गा लेता हूँ। लेकिन बादल खान ने मन्ना डे के छिपे हुए टैलेंट को पहचाना और इसके बाद वो अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेने लगे। मन्ना डे 40 के दशक में अपने चाचा के साथ इस फील्ड में यानी की म्यूजिक की फील्ड में अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और बस फिर वहीं के होके रह गए। सन 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले वो फिल्म रामराज्य में कोरस के रूप में गा चुके थे। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये एक ऐसी मात्र फिल्म थी जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था। मन्ना डे सिर्फ शब्दों को ही नहीं गाते थे बल्कि हर शब्द के पीछे छुपे हुए भाव को खूबसूरती से सबके सामने लाते थे। मन्ना डे की आवाज का ही जादू था कि प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी अमर कृति मधुशाला को आवाज देने के लिए मन्ना डे को ही चुना। सन 1961 की बात है जब संगीत निर्देशक सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में फिल्म काबुलीवाला की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मन्ना डे को अपने करियर के शुरुआती दिनों में उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, जिसकी खास वजह ये थी कि उनकी सधी हुई आवाज किसी भी एक्टर पर फिट नहीं बैठती थी और इसी वजह से एक जमाने में वो ज्यादातर गाने अभिनेता महमूद और प्राण के लिए ही गाते थे। प्राण के लिए उन्होंने फिल्म उपकार में कस्मे वादे प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा यार मेरा जिंदगी जैसे गाने गाए। उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में हास्य अभिनेता महमूद के लिए एक चतुर नार गीत गाया तो उन्हें महमूद की आवाज समझा जाने लगा। आमतौर पर पहले माना जाता था कि मन्ना डे सिर्फ क्लासिकल गाने ही गा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ए मेरे प्यारे वतन, ओ मेरी जोहरा जबी, ये रात भीगी भीगी ना तो कारवा की तलाश है और ए भाई जरा देख के चलो जैसे गाने गाकर सभी के सवाल का बहुत बेहतर जवाब दिया। मन्ना डे को मुश्किल गाने गाने का बेहद शौक था। उनके गाए हुए गाने हर तबके में बहुत लोकप्रिय थे।
लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए, सुर न सजे क्या गाऊं मैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, ये रात भीगी भीगी ये मस्त नजारे, या फिर कहें तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, हर तरह के गाने उन्होंने गाए। किसी भी निर्माता को अगर क्लासिकल गाने गवाने हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मन्ना डे को ही साइन करते थे। सन 1961 की बात है जब रिलीज हुई फिल्म पड़ोसन के गाने एक चतुर नार बड़ी होशियार की रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है, जब किशोर कुमार जिन्हें सरगम बिल्कुल नहीं आती थी और मन्ना डे जो कि इसके मास्टर थे, इन दोनों के बीच इस गाने को लेकर खींचतान हो गई। निर्माता ने कहा इसे वैसे ही गाना है जैसे गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। किशोर कुमार तो गाने के लिए तैयार हो गए लेकिन मन्ना डे ने गाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं संगीत के साथ मजाक नहीं कर सकता। खैर किसी तरह मनाने के बाद उन्होंने ये बात मान ली। इस गाने की रिकॉर्डिंग भी हुई और आज तक ये गाना कितना फेमस है हम सब जानते हैं। चतुर नार करके सिंगार, ये चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे। मन्ना डे को संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1969 में मेरे हुजूर और 1971 में एक बांग्ला फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बांग्लादेश की सरकारों ने भी विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा है। मन्ना डे के संगीत के सुरीले सफर में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब फिल्मों में उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर साल 2013 का दिन जब संगीत के क्षेत्र के इस सरताज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मन्ना डे एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला हमेशा संगीत को जीवंत रखेगी, उसकी ऊर्जा को बनाए रखेगी, और ना ही उनके संगीत को कभी भुलाया जा सका है और ना ही भुलाया जा सकेगा। वो हमेशा अपने गीतों के जरिए हम सभी के बीच जिंदा रहेंगे। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए सितारे की कहानी के साथ, सितारों से सितारों। तब तक के लिए आज ज्योति को दीजिए इजाजत। तू ही मेरी।